जॉब सीकर नहीं है, हम जॉब क्रिएटर हैं। अब हमने अपने लिए मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेट किया होगा कि हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, हमारा अपना बिजनेस है, हम आराम से इसको चला के आगे बढ़ सकते हैं। बस शौक के लिए पाले थे, कुछ 5-10 कॉलोनीज लाई शौक के लिए पालते थे, लेकिन जब उनका देहांत हो गया तो उसके बाद मेरे वालिद ने मतलब इसमें एक फ्यूचर देखा। पहले हमें इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, तो हम अच्छे से मतलब एक्सट्रैक्ट भी नहीं कर पा रहे थे, यानी कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, कौन कौन सी दवाइयाँ लग रही, इसके बारे में हमें उतनी नॉलेज नहीं थी। सबसे पहले फाइनेंशियल चैलेंजेस तो आए, मतलब शहद उतना नहीं निकलता था, कॉलोनीज कम थी, लेकिन फिर कॉलोनीज बढ़ गई, शहद निकला, नए नए तरीके आए, नई नई मशीनें आई, तो नई नई दवाइयाँ भी आई जिनसे हमारा मतलब कॉलोनीज मतलब बिल्कुल अच्छी रही, सेफ रही। तो अभी हमारा मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, पूरा खानदान इसी पर डिपेंड है, अच्छे से हम मतलब चला रहे। कंपटीशन एक गलत बात नहीं है, कंपटीशन एक अच्छी बात है, जिसने एक मतलब एक कश्मीरी कहावत है कि जीते स्वयं जुता गाश, मतलब जितनी हमारे पास मोमबत्तियाँ होंगी उतनी रोशनी हमें मिलेगी, कंपटीशन होना चाहिए। चरस में इनका यहाँ पे मतलब सर्दी बहुत होती है, रहना इनका यहाँ पे मुश्किल हो जाता है, मतलब मर जाती है या तो फिर एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम मतलब बाहर जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, गुजरात, पंजाब, मतलब जहाँ पे भी हमें फूल मिले, गर्मी मिले, हम वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे मतलब एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम वहाँ से भी हमें हासिल होता है, और हमारी मतलब मधुमक्खियाँ भी ये भी बैठती है। पूरे साल का टर्नओवर में बता देता हूँ आपको, 20 से लेकर 30 क्विंटल तक आराम से निकल जाता है। और इसका मार्केट वैल्यू और मार्केटिंग करने के लिए आप क्या क्या कर? मार्केट वैल्यू तो इसका जी मतलब उतना नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि मतलब एक शहद एक नेमत है जिसका कुरान में भी जिक्र है, सूरह नहल में इसका जिक्र है, एक अच्छी नेमत है, एक अच्छी मतलब दवाई की अल्टरनेटिव के तौर पर यूज़ होती है। ये पुराने ज़माने में भी होती थी, लेकिन आजकल तो ज़्यादा लोग दवाई प्रेफर करें इसके बजाय, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि दवाई आपको मतलब कुछ टाइम के लिए राहत देती है, लेकिन ज़्यादा उसके साइड इफ़ेक्ट ही होते हैं, लेकिन शहद आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देगी, बशर्ते कि वो शहद अच्छा हो, प्योर हो। तो मार्केट वैल्यू कम है, जो जैसा कि ये हमारा अपना प्रोडक्ट है सिटारहिनी के नाम से, ये हम मतलब खुद चलाते हैं, इसकी मार्केटिंग हम खुद करते हैं। मधुमक्खियाँ जो है इन्हें किस तरह से आप केयर करते हैं, क्या इनमें भी बीमारी का खतरा होता है, क्या इन्हें भी आपको उसी तरह से पालना होता है जिस तरह से बातें जितने भी? हमें केयर बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं, जैसे एक मतलब माँ बाप अपने बच्चे की केयर करते हैं, ये भी हमारे लिए हमारे मतलब बच्चे जैसे, इनको हम अपने बच्चों की तरह केयर करते हैं, क्योंकि जब हम इनकी देखभाल करेंगे ये हमारी देखभाल करेंगे, हम इनकी देखभाल करेंगे, ये हमें मतलब हमारे रोज़गार का जरिया है, हमें इनकी देखभाल करनी चाहिए, मतलब इनको टाइम टाइम मेडिसिन कौन कौन से देने पड़ते हैं, जैसे ब्रूड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है उसके लिए हमें दवाई देनी पड़ती है, कहीं माइट तो नहीं है उसके लिए दवाई देनी पड़ती है, कहीं अंदर कॉलोनी में कोई इन्फेक्शन तो क्रिएट नहीं किया मतलब हुआ है तो उसके लिए हमें दवाई देनी पड़ती है, और कभी कभी मतलब जब ऑफ सीज़न होता है तो अंदर स्टोर की कमी हो जाती है, फिर हमें यहाँ से ही इनको स्टोर देना पड़ता है, ताकि हमारे जो ये हाइव है ये हेल्दी रहे, ये स्वस्थ रहे। मेरी टफ चैलेंज, ये एक टफ चैलेंज होता है हमारे लिए, लेकिन वो कहते हैं ना कि मतलब अगर आप मुश्किलात फेस करते हो तभी आप मतलब कुछ हासिल कर पाए, मतलब बहुत कम एफर्ट्स मिल रहे हैं हमें गवर्नमेंट की तरफ से जितना हमें मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, गवर्नमेंट हमारे पास आ ही नहीं रही है, गवर्नमेंट नए जवानों को इसकी तरफ ला ही नहीं रही है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो मतलब उनके पास तो इतनी पावर्स नहीं है, जब उनको बैकअप ही नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट से तो वो क्या करेंगे, और अगर उनको थोड़ा सा मिलता भी है मतलब बैकअप उनकी तरफ से तो वो भी इनके साथ आवाज नहीं देना चाहते। मैं गवर्नमेंट को भी कहना चाहता हूँ, हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इस बी कीपिंग सुनत को आगे बढ़ाना है तो आपको एफर्ट लाने, क्योंकि नौकरियाँ तो हर जगह नहीं है, नौकरियाँ नहीं दे सकता गवर्नमेंट, तो जवानों को मतलब नौकरी के बजाय तो कुछ तो दो।